गाइज वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार ने 2-3 दिन पहले निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया गया था। उनके जाने के बाद जो है नए कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए थे जीएस राणा जी, जो उन्होंने जो है कार्यभार संभाल लिया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की है। क्या क्या चर्चाएं रहीं आगामी भर्तियों के बारे में, इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर उनसे मुलाकात की है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज कैंप कार्यालय में लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के नव नियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा जी ने भेंट की। इस दौरान उनसे लोक सेवा आयोग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अभी नए अपॉइंटेड हुए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जीएस राणा जी, उनसे मुलाकात की और आगामी आने वाले तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके ऊपर यहां पर जो है चर्चाएं की। अब ये देखना यह है कि क्या कुछ अपडेट अभी रिसेंट टाइम में आता है या नहीं आता है। काफ़ी अध्याचन आयोग में लटके हुए हैं। एक स्पेशल वीडियो हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं कौन कौन से भर्ती के अध्याचन आयोग में लटके हुए हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज या कल तक वो डिटेल वीडियो आ गया है क्योंकि उस पर थोड़ी सी रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो में इतना ही यार। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।